श्री मुक्त फूड्स पे आपका स्वागत है। आज हम मूंग की दाल की कचौरी बनाएंगे। कचौरी के लिए हमें ये सामग्री चाहिए। आधा कटोरी हमने बेसन लिया है, नमक लिया है और मूंग की एक कटोरी हमने भिगोई थी उसको आधी पीसी हुई दाल रखी करी है, और जीरा, हरी मिर्ची कटी हुई दो तीन, अमचूर, गरम मसाला, थोड़ा पिसा हुआ हमने सौंफ लिए, दो तीन लौंग कुटी हुई, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई काली मिर्ची और हींग, हल्दी, लाल मिर्ची और ये दो कटोरी हमने मैदा ली है और एक कटोरी दाल ली थी हमने। आइए हम बनाते हैं। अब हम सबसे पहले मैदा लेंगे और मैदा में हम 1 चम्मच मोरन डालेंगे। और थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छी से मिलाना है। ये इस तरह से हमें मिलाना है और देख लेना है कि मोन ठीक से डल गया है। इस तरह से हमें मुट्ठी बांध के देख लेना है। अब धीरे धीरे पानी डालकर हमें इसे गूंदना है। इस तरह से हमें गूंद के अब इसको 10-15 मिनट के लिए हमें ढक के रखना है। अब इसे हम ढक के रख देंगे। हमने 1.5 चम्मच इसमें तेल डाला है और तेल गरम किया है। तेल गरम हो गया है, हम सबसे पहले जीरा डालेंगे। अब हम धनिया डालेंगे इसमें कूटा हुआ, हरी मिर्ची, वैसे सिंपल करके बेसन डालेंगे। बेसन को भूंजना है। बेसन भुन गया, खुशबू आने लग गई है, इसमें हम दाल डाल देंगे। इसे मिला देंगे। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, काली मिर्ची कुटी हुई, हींग, लौंग, सौंफ, हल्दी थोड़ी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्ची 1 टी 4 स्पून, और नमक
अपने टेस्ट अनुसार। अब इसे हम भून देंगे। हमने ये दाल को अच्छे से भून ली है। अब इसमें हम गरम मसाला 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून हम अमचूर डालेंगे और गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये ठंडा हो गया, हम इसे निकाल लेते हैं। अभी ये 10 मिनट के लिए हमने रखा था। अब इस पे हम थोड़ा सा तेल लगाकर इस तरह से कर लेंगे। अब ये मसाला बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसके हम छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से बना बना के रख लेंगे। अब कचौरी के लिए अब छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे इस तरह। इस तरह से और छोटी छोटी लोई बना के हमें इस तरह से करना है। और इसमें हम एक एक मसाले की इस तरह की जो लड्डू बनाए हमने वो इसमें डाल देंगे और इस तरह से भरकर और इसे बंद कर देंगे। इस तरह से हमें बंद करना है और मैदा को हटा लेना है। और ये इस तरह दबा दबा कर रख देंगे। बनाते हैं, गैस ऑन करते हैं। अब ये तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम इस तरह से बना बना कर डालेंगे। इसी तरह से हम बाकी भी बनाते रहेंगे। इस तरह से हमें करना है। इसके अंदर रख कर इस तरह से हमें बंद करना है। और इस तरह से दबा दबा के रखना है। और गैस को हमें सिम पर रखना है। हमें इस तरह से हल्की हल्की गैस पर रखना है और इस तरह से पलटते रहना है बीच बीच में। अब ये कचौरियाँ तैयार हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी कचौरियों को भी डाल देंगे। ये मूंग की दाल की कचौरी तैयार हो गई है। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।